अगर आप देखते हैं तो एक डिप्रेशन बन चुकी है आपका बंगाल की खाड़ी में ऑफ ओवर उड़ीसा कोस्ट। अभी ये जो डिप्रेशन है ये धीरे धीरे अभी वीकेंड करेगा और थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा, मगर इसका जो साउथ वेस्ट सेक्टर में कल भी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, आज भी होने की संभावना है, एरिया थोड़ा बदल जाएगा। कल जैसे हमारा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रियलाइज हुआ है उड़ीसा में, साउथ छत्तीसगढ़ में, ईस्ट विदर्भा में, आज हमारे उम्मीद है मेनली बारिश रहेगी आपका साउथ छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भा में, पूरा विदर्भा में और आसपास के क्षेत्र यानी कि कोस्टल, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तेलंगाना और नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन सभी जगह अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक होने की संभावना है। और एक जो वेदर सिस्टम है वो है एक सर्कुलेशन बन चुकी है गुजरात के तट पे, जैसे नॉर्थ अरेबियन सी में, ये साइसर भी बहुत डीप है और इसके चलते विंड्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहा है गुजरात रीजन के ऊपर, जिसके कारण से अगले 4 से 5 दिन तक हमारे गुजरात में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में। और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली, उसके बाद से थोड़ा डिक्रीज होने की संभावना है। ये जो हमने वार्निंग बताया, मतलब आपका वेस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में, यहाँ पर रेड अलर्ट चल रहा है, बाकी सेंट्रल इंडिया और वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हेवी रेनफॉल है जिसके चलते हमने येलो अलर्ट जारी किए हैं। कल से जो सिचुएशन रहेगा, सिस्टम जितना इंटीरियर में प्रवेश करेगा, जो बंगाल की खाड़ी वाले जो सिस्टम बताया, तो आपका धीरे धीरे बारिश ईस्टर्न साइड में कम होता जाएगा, मगर आपका विदर्भा और ईस्ट और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अति भारी वर्षा का जो सिलसिला जारी रहेगी, मगर केरला, कोस्टल कर्नाटक, इन सभी राज्य में धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगा और साथ ही साथ बारिश बढ़ने लगेगा आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में यानी कि उत्तराखंड में। कल परसों हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का चेतावनी जारी किए हैं, रेड अलर्ट भी जारी किए हैं कल के लिए और परसों के लिए, और बाकी पूरा रीजन में नॉर्थ इंडिया में परसों में यानी कि 22 जुलाई को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा जरूर होगी। वहीं दिल्ली NCR की अगर कहीं कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल भी हो रही है, पर पूरी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं कि, तो क्या कल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बारिश दिल्ली NCR वालों को हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में आएगा? देखिए, जब भी एक कोई सिस्टम मूवमेंट होगा वहां पर तभी हमारा बारिश का अमाउंट बढ़ेगी। अभी का जो आज का, जैसे आज या कल का स्थिति है, ऐसे ही मानसून ट्रफ के कारण से ईस्ट स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्लीज और जो गुजरात वाली साइसर है उसके कारण से भी स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्लीज आ रही है आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। हमारी उम्मीद है कि आज और कल लाइट रेनफॉल रहेगी, परसों से मॉडरेट रेनफॉल यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।